discussion. Lord, 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 thank Lord. You so much. Lord, Lord, thank Lord. You so much. Well done, mashallah. So grandmother of Ayaz. Lord, Lord, Lord. Mother of Ayaz. Lord, Lord, Lord. Thank you, sir. आपको बहुत मुबारक हो बेटा. थैंक यू सो मच सर. मियाँ वाली के दानिश स्कूल से पढ़े आप. दानिश स्कूल. बहुत खुशी हुई आपकी. कल मुझे मैंने पता लगा तो मैंने कहा कि आपको मिलके आपको खुद मुबारकबाद दूँ. ऐसे नौजवान बच्चे और बच्चियाँ जो मुश्किल हालात में. यस सर. जो आपके वालिद साहब इस दुनिया में नहीं हैं, आपकी वालदा साहबा ने आपको पाला पोसा, आपकी ग्रैंड मदर ने, तो ये और फिर आपके जो प्रिंसिपल हैं, टीचर्स हैं, उन सब की बड़ी मेहनत है. और दानिश स्कूल सिस्टम में आपने टॉप किया है. आप वाकई कौम के एक अजीम मेहमान हैं और दरख्शंदा सितारा हैं आप माशाल्लाह. सर आपका ही बहुत सर थैंक्स. बेसिकली आपका ही वी एन था दानिश स्कूल और इसी को क्रेडिट जाता है कि मैं ये अचीव कर पाया हूँ. और ये दानिश स्कूल मॉडल अब हम पाकिस्तान के दूसरे हिस्सों में भी लेके जा रहे हैं. बलूचिस्तान में हम 4 दानिश स्कूल्स का वहाँ पर हम इजरा कर रहे हैं. गिलगित बल्तिस्तान में, आज़ाद कश्मीर में, इस्लामाबाद में, देही इलाकों में. तो दानिश स्कूल वाकई एक लम्हा फ़ख्री है हम सब के लिए कि बच्चे फाइनेंशियल बैकग्राउंड बहुत उनकी बेचारों की बहुत ही पुअर फाइनेंशियल बैकग्राउंड और बाज़ औक़ात आपकी तरह सिंगल ऑफन डबल ऑफन यतीम वालदा भी नहीं है, वालिद भी नहीं है आपके. तो अल्लाह का शुक्र है वालदा हयात हैं, आपके ग्रैंड मदर भी हयात हैं. लेकिन दानिश स्कूल में ऐसे बच्चे और बच्चियाँ भी हैं जिनको मैं ज़ाती तौर पर जानता हूँ कि ना वालिद है ना वालदा है, और सिर्फ दानिश स्कूल उनकी वालिद और वालदा का रोल वो के तौर पर नाम आता है. वहाँ पे उनको आपकी अच्छी डॉमेट्री है, वहाँ पे वहीं रहते हैं दानिश स्कूल में, और खाना अच्छा मिलता है. बिल्कुल. यूनिफॉर्म भी. यस सर. यूनिफॉर्म स्टेशनरी एवरीथिंग माशाल्लाह. इट्स अ ग्रेट मोमेंट टू थैंक ऑलमाइटी के जिसने हमें मौका दिया दानिश स्कूल बनाने का. और ये मैंने आइडिया लिया था उस ज़माने में, मुझे बहुत ये चीज़ पंच करती थी कि एक तरफ एचन कॉलेज है, वहाँ पर उसके जो आनी सुराख हैं गेट्स, वहाँ पर उमरा के बच्चों के अलावा कोई किसी का दाखिला नहीं हो सकता, गुजर नहीं हो सकता, मासवाए तुमंदार जो बड़े बड़े ज़िम्मेदार हैं, बड़े बड़े सियासतदान हैं, बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं और सरमायाकार हैं, मगर गरीब का बच्चा एचन कॉलेज में सोच भी नहीं सकता. तो ये दानिश स्कूल की सोच वहीं से मैंने पिक की और उसके ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह इसको शर्मिंदा तागीर किया इस ख्वाब को. सर आई थिंक दिस पोजीशन गोज टू यू सर, प्लीज सर. ये थैंक यू सर. बेटे आप जैसे होनहार बच्चे और बच्चियाँ, उन्हीं के हाथों में पाकिस्तान की तरक्की की जो कुंजी है आप ही के हाथों में इंशाल्लाह. और इंशाल्लाह मुझे पूरा यकीन है कि हमारी जो नौजवान नस्ल है, कल ही मैंने मीटिंग की है अपने यूथ प्रोग्राम के लिए, किस तरह हम उनको ट्रेनिंग दें, स्किल ट्रेनिंग, वोकेशनल ट्रेनिंग, प्रोडक्टिव यानी जिससे कि पैदावारी जो काम की जो सलाहियत है वो बढ़े, प्रोडक्टिव जॉब्स मुलाजमतें किस तरह हम दे सकते हैं, किन मैदानों में उनको हम प्रमोट कर सकते हैं, ज़राअत में, आईटी में, इंडस्ट्री में, ये सारी चीज़ें एक्सपोर्ट बेस्ड इंडस्ट्री में, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज में, तो फ्रीलांसर्स तो अलग के फजल से पाकिस्तान ने काफ़ी प्रोड्यूस किए हैं, लेकिन जो सनत व हरफत और ज़राअत को बढ़ाने के लिए, उसकी पैदावार को बढ़ाने के लिए जो बासलाहियत जो नौजवान बच्चे और बच्चियाँ उनकी खेप तैयार करना, ये हमारा फ़र्ज़ है. Yes. तो कल मैंने इसकी मीटिंग की है मैंने, तो एक हुस्न इत्तेफाक की आज आपसे मुलाकात हुई है. और बेटा आप कुछ कहना चाहेंगे? सर मैं यही
एक मेरी ख्वाहिश है कि ये दानिश अथॉरिटी है ये यूनिवर्सिटी लेवल पे भी अगर हो तो फर्दर। मैं मरीम नवाज साहब आपको हुजूर में उनको ये आपकी रिकमेंडेशन पहुँचाऊँगा और अच्छी सोच है, अच्छा ये आपका मशवरा है तो yes. उसको हम जरूर करना चाहिए। मैं उनको ये दोनों को कहूँगा उनको इंशाल्लाह। और इस्लामाबाद में हमने ज़मीन तलाश कर ली, बजट में पैसे हैं दानिश स्कूलों के जो बलूचिस्तान में और जो एक्स फाटा होता था वहाँ पर भी मैंने कहा है बनाए दानिश स्कूल। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में उनका हक है yes. तो ये हम ये इंशाल्लाह बड़ी तेज़ी से हम ये बना के देंगे और वहाँ पर भी आप जैसे लायक फायक बच्चे जिनके पास जहन अल्लाह ताला ने दिया मगर वसायल नहीं उनके माँ बाप के पास, उनको इंशाल्लाह बच्चों और बच्चियों में दाखिला मिलेगा। यस सर। आप तो कुछ कहेंगे बेटा, आप कुछ कहेंगे? सर थैंक यू, आप बहुत खुश हैं माशाल्लाह। बस एक्सप्रेस नहीं कर सकती अपनी फीलिंग्स, मैं जो फील कर रही हूँ और माशाल्लाह जो कल से मैं इस जेटी की वजह से और इस दानिश स्पेशली दानिश स्कूल की वजह से ये मौका मिला है मेरे बेटे को भी माशाल्लाह। स्टाफ वहाँ का और मैं जितनी भी तारीफ़ करूँ, एक वेल क्वालिफाइड स्टाफ है, टीचर्स बहुत हार्ड वर्किंग है, उनकी फैकल्टी सब दानिश स्कूल की। टीचर्स का मैंने ये इंतज़ाम किया था, उनको हमने मार्केट सैलरीज दी थी। बड़ा एहतजाज हुआ दूसरे स्कूलों से कि जी देखें इनको आप ज़्यादा तनख्वाहें दे रहे हैं। तो मैंने कहा कि ये अगर एचन कॉलेज में और ग्रामर स्कूलों में और लॉरेंस कॉलेज में और कॉन्वेंट्स में और आजकल जो प्राइवेट जो स्कूल बन गए हैं इतनी महंगी फीसें, इतनी महंगी वहाँ पर अखराजात हैं उन स्कूलों में, तो वो उनके वालदैन तो बर्दाश्त कर सकते हैं कि उनके पास बेपनाह वसाइल उनको उनके पास हैं। तो इस कौम के वो बच्चे और बच्चियाँ जो शायद उनसे भी ज़हीन और फतीन हैं, उनके पास सिर्फ उनका ये कसूर कि उनके पास माली वसाइल नहीं, ये तो मैं समझता हूँ कि ये एक कोई अगर इसकी बिना पर उनको इन बच्चों को तालीम नहीं मिलती तो ये किसी का कसूर नहीं है बल्कि निज़ाम का और स्टेट का। तो इसलिए मैंने दानिश स्कूलों में जो फिर वो मुझे याद है कि उन इलाकों के टीचर्स ख्वातीन और मर्द टीचर्स आए जो कि बड़ी बड़ी तनख्वाहों पर दूसरे जगहों में काम कर रहे थे, तो मुझे उन्होंने इंटरव्यूज में खुद बताया कि चीफ मिनिस्टर हमें फलां जगह, एक ने मुझे कहा कि मैं अमेरिकन एम्बेसी में लाइब्रेरियन हूँ लेकिन मैं ज़्यादा तनख्वाह छोड़ के कम तनख्वाह पर इसलिए आई हूँ कि ये भावलपुर मेरा इलाका है, मैं यहाँ की रहने वाली हूँ। तो मुझे बड़ी खुशी थी कि मैं अपने बच्चों और बच्चियों को आके पढ़ाऊँ, वो जो ओनरशिप जो थी उसका उन्होंने इजहार किया। तो मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत अच्छी एक खिदमत है कौम की। आप कुछ कहना चाहते हैं? सर आपकी विजन, आपकी सोच इज फाइनली मटेरियलाइजिंग इन द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंड बेफिटिंग मैनर सर। बड़ी अच्छी बात है, मेरी मुझे खुशी है कि मरीम नवाज साहब इस विजन को और आगे बढ़ा रही हैं, तो इट्स अ वेरी यू नो हार्ट वार्मिंग यू नो थिंक कि वो उसको प्रमोट कर रही हैं। आपकी हौसला अफजाई के लिए ये 10 लाख का चेक आपके लिए है। थैंक यू सो मच। ये लैपटॉप। थैंक यू बेटा, बस इसी तरह मेहनत करो और आगे बढ़ते रहो और कौम के अजीम मेमार बनो इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। वज़ीर आज़म।